गुड़िया तेरे लिए। ए देखो अच्छे से पिसना हल्दी हाँ, ताकि ना वो बदन पे रंग लग जाए। मेरी गुड़िया कहाँ भाग गई सब लोग? ओ भाई पकड़ 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 से। ए बिना हलवाई को लीज देकर आई ना? दे दी फुल्ला बुआ दे दी। तो अभी धमक के क्या बैठी है? वो पंडित जी के पास जा और उनसे पूछना कि पूजा की सारी सामग्री मिली या नहीं, नहीं तो एंड टाइम पे क्या करेंगे? हाँ जाती हूँ पुल्ला बुआ, थोड़ी सी सांस ले लेने दो। ए आलस की पुतली सांस लेगी बड़ी, चलो जा 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 ना। ओ भाई ये तो मेरी जान ही निकाल देगी। तूने कुछ कहा? नहीं पुल्ला बुआ। कहना अभी मत हाँ, चलो जा पंडित जी के पास जा, उठ। ओ भाई रुक रुक, जाने से पहले ना मुझे पानी दे के जा। ये उस जमाने की बात है जब घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं होती थी, कारीगर के साथ बैठ कर घर बनाया जाता था। तो फिर उस जमाने की शादी कैसे कोई बाहर वाला प्लान कर सकता था? हर काम आराम से, पूरे ध्यान से परिवार के लोग मिलकर करते थे, ठीक वैसे ही जैसे मटर का एक एक दाना चुन चुन कर निकाला जाता है। कोई एक खराब दाना मुँह का स्वाद खराब कर सकता है, और एक छोटी सी ऊंच नीच पूरी शादी। अरे अर्जुन गलत समय पर टांग तोड़वा कर बैठ गए, देखो ना इन औरतों के बीच में मटर छीलनी पड़ रही है। और क्या, वरना बहन की शादी में तो भाई दौड़ दौड़ के काम करता है। नहीं मौसी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे घर में कोई कुछ काम करने ही नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। ओ भाई इस कुर्सी पे बैठ के इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे में आने जाने के सिवा और क्या कर सकते हो? हलवाई के पास आना जाना, सामान उठाना रखना, मेहमानों को लाना ले जाना, ये सब कर सकते हो? ओ बिना इस कुर्सी पे सिर्फ अर्जुन बैठा है, घर के और लोग नहीं, बहुत लोग है वो काम करेंगे, समझी ना? अर्जुन वैसे भी ना अपनी बहन की शादी में सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। हाँ क्यों अर्जुन? जी दादी बुआ। वो नाचेगा भी और गाएगा भी। भगवान झूठ ना बोले बुआ जी, एक बात बताओ, मैंने ना हमेशा अपनी पूजा के लिए ऐसे ही सपने देखे थे कि मेहमानों से भरा घर आंगन हो, खुशियों का माहौल हो। बहुत खुश हूँ आज मैं। अरे अच्छा हुआ सही समय पर शादी कर दी तुमने पूजा की, वरना आजकल का जमाना देखा है कितना खराब है। सब फिल्मों का ही असर है। और फिल्में भी तो देखो कैसी कैसी आई हैं। अरे आशिकी मैंने प्यार किया, बागी और एक ओ भाई, और गाने भी तो कैसे फुवड़ बन रहे हैं। वो क्या, हमने घर छोड़ा है, मैं दुनिया लुटा दूंगा, और बस एक सनम चाहिए। ओ भाई अब सनम ना हुआ, सब्जी की दुकान पे बिचने वाली सब्जी हो गई। ए बिना तुझे गाने बड़े याद है? फुल्ला बुआ अब इतना बड़ा चित्रहार घर में चलेगा तो ध्यान तो चला ही जाता है ना। हाँ तो वो ध्यान ना अपने घर गृहस्थी पे डाल। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, गाने कितने भी खराब निकले हो पर मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, ये तो हमेशा लड़कों से 10 कदम दूर रहती है। हाँ तू और समीर। प्रीति मेरी बात तो सुन। वो तो इतनी बड़ी बात छिपाई। प्रीति मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, इतना सब कुछ हो गया तूने मुझे भनक भी नहीं लगने दी। प्रीति नैना तू प्रीति सुनो मेरी बात नैना, आजकल का जमाना बहुत खराब है, लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो कर देना चाहिए। सही प्रीति और नैना की तो 2-4 साल में शादी हो ही जाएगी ना। अरे क्या भाभी जी दोनों अभी बच्ची है। अरे बेला 1-2 साल में तो 18 साल की हो ही जाएंगी ना, अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, अच्छा घर परिवार मिलने के लिए वक्त तो लगेगा ही। अरे भाभी जी अब ना मैं आपको क्या बताऊं, प्रीति ने तो मुझसे पहले से कह रखा है मम्मी मैं तो उसी घर शादी करूंगी जहाँ नैना की शादी होगी,
दोनों में प्यार जो बहुत है और दोनों हमें से एक साथ रहना चाहती है ना? नहीं, मुझे नैना के साथ नहीं रहना, बहुत बड़ी झूठी है वो। नैना, वो मुझे लगा कि... चुप करो समीर, बहुत हो गया। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, मुझे खुशी देना चाहते हो? दे दी खुशी, मिल गई तुम्हें तसल्ली। तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते? नैना, वो समीर, जैसे मेरी लाइफ में थोड़ी सी शांति आने लगती है ना कोई तूफान ले आते हो। यार, घर में पूजा दीदी की शादी का माहौल है, प्रीति ने बाहर जाके सबको बता दिया तो कभी सोच जाए तुमने क्या होगा? सारे रिश्तेदार बाहर है, सबको पता चल गया तो तुम क्या समझोगे? जो इंसान कभी प्यार को ही नहीं समझा वो। नैना, मेरी बात तो सुनो एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी, ना मुझे तुम्हें किसी से बात करने देनी। तुम्हें जिनसे जो बात करनी थी तुम कर चुके हो, अब ना तुम बस एक काम करो, तुम मेरी जिंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? इतना तो कर सकते हो ना? बेटा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है और इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि नैना ने काम ही ऐसा किया है। हाँ तो क्या हुआ है वो तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, दो बहनों की आपस में लड़ाई होगी। हाँ और क्या, वही तो क्या हुआ है वो जानू तो सही ना। अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ है। कुछ भी नहीं कही जी, वो प्रीति बहुत, बस वो तो बस ऐसी नाराज हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बेकार में नाराज हो रही हूँ। तुम इतनी बड़ी बात को ऐसे कैसे? प्रीति मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं तुझे हर छोटी से छोटी बात बताती हूँ और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ओ भाई, अब कुछ बताओगी कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए तब बताओगी? बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि नैना ने कितनी बड़ी गलती की है। क्या गलती की है नैना ने? तो बिना तू चुप कर। नैना बिटिया बता तो क्या बात हुई? वो कुछ नहीं बुआ दादी जी, प्रीति बस छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई है। अगर इतनी छोटी सी बात है तो फिर सबको पता चलना चाहिए ना कि मैं क्यों नाराज हूँ। कमाल यार, तुम लोग इतनी छोटी बात को लेके इतना लड़ रहे हो। बोलो राम, अब तुम ही बता दो क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं दाई जी, वो प्रीति नैना तो है ही जिद्दी, तुम जाने दो ना यार। ये हम दोनों बहनों के बीच की बात है, तुम बीच में मत ही बोलो। और नहीं तो क्या, अरे दोनों बहनें आपस में लड़ेंगी और आपस में सुलह कर लेंगी। मुझे नहीं लगता किसी और को इन दोनों के बीच में कुछ बोलना चाहिए। ओ भाई, तुमने ये बात मुझे देख के क्यों कही? क्या मतलब, क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम, वो बताओ। नहीं भाभी जी, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? अरे भाभी जी, अरे लो अब ये दोनों शुरू हो गई। नैना तुम तो समझदार हो ना, दे दो ना उसको जो भी चाहिए। प्रीति तो है ही ऐसी, स्कूल में भी सबसे लड़ती है और यहाँ भी लड़ रही है। समीर शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, ये हम दोनों बहनों के बीच की बात है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कुछ सुनूंगी नहीं। ओ भाई, बित्ते भर की लड़की और इतनी लंबी ज़बान है। अरे वो भोलू राम हमारे घर में मेहमान के जैसा है, उसके संग ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? ये तमीज है तुम्हारी? अरे बस करो सब। प्रीति और नैना तुम लोग लड़ो लड़ो लड़ो, तुम दोनों को लड़ता देखना मुझे मेरे बहन की याद आ रही, हम लोग भी ऐसे ही लड़ते थे। लड़ो लड़ो लड़ो, क्यों हीरो मजा आ रहा है ना? इधर आओ तुम दोनों। भगवान झूठ ना बोले, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। प्रीति
तूने ये नैना की ड्रेस पहनी है ना, इसलिए लड़ रहे हो ना तुम दोनों। देखो जितनी भी लड़ाई करनी है अंदर कमरे में जाके करो, यहाँ मत लड़ो ठीक है। अरे शादी का घर है, इतने लोग है घर में, क्या सोचेंगे। चले जाओ अंदर, जाओ अंदर जाके लड़ाई करो, चलो जाओ। प्रीति प्रीति, प्रीति तूने मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो एक ही मारा है, तो और लगाऊंगी वो भी जोर से। ऐसा है तो मार के दिखा। तूने मुझे फिर से थप्पड़ मारा? एक और बोल लगा के दिखा, फिर मारूंगी। हाँ तो ठीक है, मार लेना, बहन है तू मेरी। वैसे भी गलती की है तो क्या कह सकती हूँ। और मार ले, मार मार ना मार। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो तो अगर तेरे धोखे में आकर समी मुझे सब कुछ नहीं बताता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब मेरी समझ में आ रहा है वो कैसेट की दुकान वाली लड़ाई, चाट की दुकान वाली लड़ाई। आशिकी मैंने प्यार किया कि कैसेट, वो आशिकी की कैसेट भी समीर ने दी थी। प्रीति प्रीति प्रीति, सच में समीर ने चोक किया, वो मजाक था, हमारे बीच कुछ सीरियस था ही नहीं तो क्या बताती। अच्छा सीरियस नहीं था तो हॉस्पिटल क्या करने गई थी स्वाति के साथ? काम्या ने मुझे बताया। वो मतलब स्वाति को भी सब कुछ पता है और मुझे ही नहीं पता। प्रीति मेरी बात तो सुन ले यार, मैं समीर क्यों, दोनों बंदर मुन्ना और पंडित को भी सब कुछ पता है ना, और किसको पता है, शिफाली को, मतलब मुझे छोड़कर सबको पता है, इसे बहन कहते हैं। प्रीति मैं तुझे क्या बताती, होने से पहले खत्म हो गया था। वो मुझे नैना समझकर आई लव यू बोल रहा है और तू कह रही है सब कुछ खत्म हो गया। इतना अमीर होकर हमारे घर पर नौकरों जैसा काम कर रहा है और तू कह रही है सब कुछ खत्म हो गया। अरे सबके ताने सुन रहा है और तू कह रही है सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है नैना, क्यों वो ये सब कर ही इसलिए रहा है ताकि कुछ खत्म ना हो, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। नहीं प्रीति, उसने प्यार नहीं, प्यार का नाटक किया, उसने दिल लगाया नहीं बल्कि मेरा दिल तोड़ा। तू ये समझ ले प्रीति, कांच जैसे दिल ने पत्थर से प्यार किया। मैं समीर को भूलना चाहती हूँ प्रीति, मैं उसका नाम अपनी जिंदगी से मिटाना चाहती हूँ, मैं बस सब खत्म करना चाहती हूँ। मैं समीर को भूलना चाहती हूँ प्रीति, मैं उसका नाम अपनी जिंदगी से मिटाना चाहती हूँ, मैं बस सब खत्म करना चाहती हूँ। सही कह रही है, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, वो भी आज और अभी। चल चल प्रीति, नहीं चल प्रीति, नहीं
देखा प्रीति और नैना को? अरे थोड़ी देर पहले लड़ मर रही थी और अब देखो कैसे हाथ में हाथ लिए चंपा चमेली बनकर घूम फिर रही है। इसे कहते हैं बहनों का प्यार। दादी ये बीना और बेला थोड़ी है जो जब देखो किकी करती रहती है। और क्या था इन दोनों को झगड़ाई करती रहती है। शर्बत नहीं चाहिए। एक बात बताऊं समीर, हमारे घर पे ना एक पंडित जी आए थे, उन्होंने ऐसे हाथ देख के बोला बेटा बहुत जल्दी तेरी तुड़ाई होने वाली है और लगता है वो दिन आ गया है ना पंडित? और नहीं तो क्या। अरे यार पता नहीं दोनों बहनों ने कमरा बंद करके क्या बात की होगी। और अगर प्रीति ने ये बात सबको बता दी ना तो लोग मारेंगे तीन और गिनेंगे एक। देखिए मेरी बात सुनो, भाग चलते हैं वरना आए मोटरसाइकिल से थे और जाएंगे एम्बुलेंस से। सुन 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 सुन, मैं ना ये तंबू गिरा देता हूँ। हाँ। सबका ध्यान होगा इस तरफ, मौके का फायदा उठाकर दो मिनट में उड़न चू। पागल हो क्या यार? नहीं नहीं अभी पागल नहीं है, देखो फटाके सिर में मारेगा ना फिर पागल हो जाएंगे हम। देखो मुन्ना पंडित, अगर तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मगर मेरे लिए प्यार की जंग है, उसमें या तो मैं जीतूंगा या बर्बादूंगा, लेकिन पीठ दिखा के कभी भागूंगा नहीं। तुम लोग जा सकते हो। देख यार तेरे दोस्त हैं, लात घूसे डंडे सब खा लेंगे लेकिन तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे दोस्त। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ तू भी मिल गई, तू भी इसमें नाना के साथ है ना? ये क्या बोल रही है प्रीति? सही कह रही हूँ, चल मेरे साथ तू भी। पर लेकिन चल। देख यार हमने इमोशनल होके बोल तो दिया फिर भी सोच ले तुम्हारी बहुत होगी कसम से। अरे आदमी तो आदमी, ढेर सारी औरतें भी हैं, अरे वो भी मारेंगी। अरे तेरी काली जमान पाऊंगा पंडित, वो देख। सब क्या हो रहा है? तुम चुप रहो। सब कुछ खत्म करना था ना तुझे, कर खत्म। देख क्या रही है ऊपर, बहुत भाषण दे रही थी ना कि समीर ने ऐसा किया समीर ने वैसा किया, तो कर सब कुछ खत्म। ये सब रूठना मनाना ना बहुत हो गया नैना, अब से ये सब कुछ भी नहीं होगा। नैना खत्म कर, चल माफी दे इसको। सॉरी इनको। जिनके आगे जी है, जिनके पीछे जी है, मैं जिनकी होने वाली साली और जो मेरे होने वाले चीजा जी। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है तेरा, क्या बकवास किए जा रही है? यार पागल तो ना मैं हो गई, लेकिन ये सोच सोच के कि कोई प्यार में अपने आप को इतना कैसे बदल सकता है जैसे समीर ने अपने आप को बदला है, कोई प्यार में कैसे सबकी गुलामी कर सकता है जैसे समीर ने की है। तू ना ये गुस्सा उस्सा छोड़ और मैंने माफ कर जीजा जी को। हाँ नैना समीर बहुत बदल गया है, माफ कर देना। नैना समीर सच में तुमसे सच्चा प्यार करता है। हाँ यार नैना माफ कर देना समीर को प्लीज।
नैना अब माफ कर भी दो ना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.